निरंजन लाल और पवित्र प्रसाद बैठे चाय पी रहे। पासी सुरेश की किताब पढ़ रहा। बेटा सुरेश, जी पवित्र, जरा बता तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पवित्र, पापा कहते हैं पुरानी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। पानीपत की लड़ाई कब हुई, क्यों हुई, क्या करना? सुन लिया मेरे प्यारे भतीजे का जवाब? पूछो कुछ, जवाब देता है खुद, और कुछ काम करने को कहो तो करता है वो। अरे चिरंजीव जी यार, सूर्य भी सच्चाई तो है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या खास ठीक हो जाएगा? एक दिन मैंने उसे कुछ रुपए देकर कहा कि दुकान से चीजें खरीद के आना, मगर सावधान रहना, कहीं दुकानदार तुम्हारी आंखों में धूल न झोंक दे। तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, चाचा आप फिक्र मत कीजिए, मैं दुकान पर जाते ही चश्मा लगा लूंगा। इन छोटे मोटे काम टहल कर रहे हैं। अरे आज 8 दिन हो गए हैं, पता नहीं कपोड़ी का बच्चा कहाँ है।
लेके आया था, चला गया। हाय हाय मेरा प्यारा डॉगी, क्या हुआ उसे कपोड़ी? वो एक दिन उसके गले में घोड़े की हड्डी अटक गई थी, खूब कोशिशें की गई लेकिन उसे बचाया ना जा सका। जो हुआ सो हुआ, बाकी सब तो ठीक है ना? झूर आपका घोड़ा। क्या कहा, क्या हुआ मेरे घोड़े को? आपका घोड़ा हड्डियां धोते धोते चला गया और उसी घोड़े की हड्डियां आपकी डॉगी ने खाई और वो भी चल चल बसा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उससे लकड़ियां ढुलवाई किसने थी? हुजूर जरूरत के कारण उससे लकड़ियां ढुलवाई गई थी, आपकी माँ के चिता के लिए जो चाहिए थी। क्या कहा, मेरी माता जी? नहीं रही, भला बहू के बिना कोई सास कैसे जिंदा रह सकती है? वो बेचारी रोते रोते वो भी चल बसी। बेटा सुने जी चाचा, एक ऐसी आफत आ गई हमारे ऊपर, तुम्हारी दादी चाची नहीं रही। चाचा मैंने सब सुना, चाची कितनी अच्छी थी। कपोड़ी ये तो बताओ मेरा बेटा वो कैसा है? आपके बेटे के याद में ही तो बहू जी ने अपनी जान दे दी। आपका बेटा एक दिन ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक उसे तेज बुखार आया और वो राम को प्यारा हो गया। जब इसका मां स्वयं झूठ बोलने वाले पर पड़ता है तब उससे भी अपना शिकार बना लेती है।